तो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल रुपेंद्र बोल रहा शॉप। आज फिर हाजिर है इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो ये वाली वीडियो इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है, क्योंकि ये अपनी बुलेट है जो जे सीरीज न्यू मॉडल। अपने जो यूट्यूब फैमिली है उनकी भी काफ़ी डिमांड थी कि भाई उनके ऊपर बुलेट पे वीडियो बनाओ भाई, अपना रिव्यू वगैरह और साउंड वगैरह चेक कराओ। तो खैर मेरी वीडियो ये टाइम के अनुसार लेट हो चुकी है, तो उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि भाई टाइम से आपको जल्दी अपडेट नहीं दे पाया। पर मेन बात के कारण क्या था कि भाई क्योंकि किसी भाई ने अभी तक मेरे ख्याल से साइलेंसर वगैरह ऑयल चेंज नहीं कराया आसपास हमारे। तो हमारे के पास ये पहली गाड़ी है जिसके ऑयल चेंज होंगे और छोटी मोटी मॉडिफिकेशन भी करनी है। इस वीडियो के अंदर ना आपको सारी डिटेल मिलेगी कि भाई गाड़ी कितने की आई थी और ऑन रोड प्राइस क्या है इसका, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, साइलेंसर साउंड से लेके अपना ऑयल मॉडिफिकेशन क्या क्या चीज़ करवानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करवानी चाहिए, ऑल डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। एक भी ये नहीं कि भाई आपको और कहीं वीडियो में जाना पड़ा। तो सारी डिटेल में बात करेंगे, ओनर को भी लेंगे और रिव्यू लेंगे क्या बात है और कितने किलोमीटर के पड़े, चलाने में कोई परेशानी तो नहीं है। कई भाई की डिमांड थी ना भाई कि भाई नए मॉडल से अपना इस वाले मॉडल पे हम जब शिफ्ट होंगे तो शायद मुश्किल होगी भाई जो स्टैंडर्ड लवर है अपना रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि यही एक ऐसी बुलेट थी जो अपनी ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी थी। कहीं मेनली अपना हरियाणा और पंजाब में तो कहीं हमारी स्टैंडर्ड ही चलती है, पर भाई टाइम के अनुसार खैर चेंज भी होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड की लुक भी अच्छी है, आपको सारी गाड़ी की लुक चेंज दिखाएंगे भाई। कुछ कुछ चीज़ें दी गई भाई ताकि अपने ओल्ड से रिलेट करके बनाई गई है अपनी। तो मेनली क्या क्या करना है इस गाड़ी के अंदर, अपना साइलेंसर चेंज करना है, अलॉय व्हील्स पड़े हैं और सेफ्टी इंजन प्लेट लगानी है, ठीक है, लेग गार्ड वगैरह लगाने हैं। तो लास्ट में कराएंगे साउंड चेक, पूरी डिटेल भी देंगे वीडियो की। अब लेते हैं भाई, बुलाते हैं कस्टमर को, जो उनका बड़ा ही धन्यवाद है भाई कि वो वीडियो बनवा रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है और अपना अलॉय व्हील्स वगैरह भी बनवा रहे हैं। गाड़ी अभी 500 किलोमीटर चली है और काम सारा करना है। तो बुलाते हैं भैया जी को। आना भैया जी, क्या नाम है? बढ़िया भाई। क्या नाम भैया अपना? नितिन। तो नितिन भाई ये बताओ भाई हमारे सब्सक्राइबरों को कि ऑन रोड प्राइस क्या प्राइस? ऑन रोड भाई 240 की। 240 की, हाँ जी। टॉप मॉडल है अपना स्टैंडर्ड का, टॉप मॉडल। हाँ, लो मॉडल का क्या प्राइस था आपको? लो मॉडल भाई सब एक ऑन रोड पड़ेगी 230 की। 230, हाँ ठीक है। आपने यही पसंद करा अपना भाई, अलग डिफरेंस था, ये स्टैंडर्ड है तो थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। अब भाई जी ये बताओ आपने कितने अभी तक टॉप स्पीड चेक करी इसकी, भगा के देखिए? स्पीड चेक की है भाई इसकी 110 की, 110 किलोमीटर, 110 की स्पीड। हाँ। 110 की अपने स्पीड पे चलाई है उन्होंने, कोई परेशानी तो नहीं ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह? सेफ्टी के लिए। हाँ। देखो भाई मानने वाली बात तो है कि भाई हम खैर कोई चीज़ पसंद होती है ना तो एक अधिक चीज़ उसके नेगेटिव पॉइंट हम मना कर देते हैं भाई, कोई इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हमारी ये बुलेट थी अपने इतनी अच्छी तरह कंट्रोल नहीं हो पाती, फिर भी ये बात होती है 120 के आसपास अपना कंट्रोल नहीं हो पाते 110 के, पर भाई का कहना है कि भाई कंट्रोल बहुत बढ़िया था क्योंकि टायर भी अपने बोर्ड वगैरह है ना तो कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं आती। तो भाई जी अपना 240 की पड़ी, आपने टॉप स्पीड 110 चलाई, कोई परेशानी नहीं आई। और इसके अलावा भाई अब ये बताओ आप अपने जुबानी से बताओ क्या क्या काम करवाना है इसका? भाई फिलहाल तो अभी व्हील और साइलेंसर और लेग गार्ड। हाँ जी। और एक प्लेट लगवानी है। ठीक, अपना नंबर कहाँ से मिला भाई जी? और बता दो भाई, ये भाई है कि यहाँ का बता दो। ठीक, तो लो जी अब करते हैं बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइलेंसर चेंज और ऑयल आपको लास्ट में दिखाना है, लुक बने रहना वीडियो में, मजा आया होने वाला है। ओके जी, तो देखो गाड़ी की लुक चेक करो और ये अपना स्ट्रोक साइलेंसर ही है जो साथ वाला है। सबसे पहले आपको इस साइलेंसर की साउंड चेक कराएंगे, तो एक बार भैया करना स्टार्ट। साउंड अच्छी लग रही है आपको? तो अब आपको क्या दिखाते हैं, आप हमको दिखाते हैं तो खाली पीछे पीछे वाला साइलेंसर चेंज करके फुट बॉटम अपना ये वाला लगा के इसमें साउंड चेक कराते हैं आपको। ओके, तो हाँ जी अपना लगा दिया शॉर्ट बॉटम। तो नितिन भाई करो दोबारा स्टार्ट। ये देखो ये अपना मीडियम साउंड है, पीछे वाला साइलेंसर चेंज करके भी साउंड बन जाती है। खैर भाई ये लीगल नहीं है अपना, पहले बता रहा हूँ मैं, अपना हो सके तो स्ट्रोक साइलेंसर में चलाओ जितना अच्छी बात है, पर आपको भाई यही बात है कि भाई अपना साउंड चाहिए थोड़ी मोटी तो अपना ये साइलेंसर लगा सकते हो। साउंड आप चेक करो, बेस्ट ज़्यादा कर रहे थे भाई कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, साइलेंसर साउंड नहीं बन रही, ऐसा नहीं बन रहा, तो भाई इतनी गलत नहीं है, प्यारी साउंड है ना। तो ओके ये तो हो गया अपना शॉर्ट बॉटम, अब करते हैं भाई को सारा ही कंप्लीट सी वेंट वगैरह चेंज करके, क्योंकि करते हैं अपना अलॉय व्हील वाला काम स्टार्ट। ठीक है, रिम को हटाते हैं और अलॉय व्हील लगाते हैं।
हाँ जी, अपना स्टैंडर्ड अलॉय व्हील फिट, साइलेंसर बैंड फिट और छोटे मोटे वर्क हो चुके हैं। अब आते हैं अपना सेफ्टी गार्ड की इंजन प्लेट। ओके, तो जो साथ वाली होती है वो अपना 3500-4000 के आसपास आती है। अगर आपको भाई थोड़े कम डाउन उस प्राइस में लगाना है, और कई भाई को ब्लैक वाली है उनकी ये वाली लुक अच्छी लगती है। कितने की है वो? 4000 की कुछ की, जो साथ वाली थी। तो भाई किसी को ब्लैक अच्छी लगती है तो अपना भाई ने की पसंद ये थी इसलिए ये लगा रहे। अपना लेग गार्ड भी, लेग गार्ड जो साथ में आ रहा था कितने का था भैया? 3500 का। और ये वाला कितने का है? अभी होता है लो जी, अभी रेट लिस्ट हो ही नहीं है, बिल बना नहीं है अभी, तो मतलब 1500 के आसपास का ही पड़ता है। तो सीधा 2000 उसमें बचते हैं भाई, और अपना 2500 इसमें बचते हैं। ओके, मेरे बात पसंद भी होते हैं भाई, जो चीज़ साथ में आते हैं कई भाई को पसंद नहीं होती इसलिए चेंज कराते हैं। बाकी अलॉय व्हील की लुक चेक करो, लास्ट में दिखाएंगे आपको साउंड वगैरह भी। मुझे पता है भाई आपको सब्र नहीं हो रहा होगा, खैर और साउंड जरूर चेक कराएंगे, बहुत प्यारी बनी है। ओके, और इसमें छोटी सी और क्लिप दिखाता हूँ। ये भाई अपने भाई जो भी मेरे पास दूर से आते हैं इनको जरूर जानते होंगे तो मनु भाई हेलो कर दो एक बार सबको। हेलो भाई। ओके जी, हाँ तो हाँ जी, फाइनली अपनी गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, जो कि अपना स्टैंडर्ड। और लुक चेक करो अभी इसकी भाई, अलॉय व्हील्स इंस्टॉल हो चुके हैं इसके अंदर, अपना साइलेंसर बैंड जो कि लीगल नहीं है। ओके, और इसके अलावा भाई हमने कराया इसके यार इंजन अपने गार्ड के लिए ये प्लेट हैवी वाली। एक तो भैया साथ में जो प्लेट आती है ना, इसका क्या मकसद था ये वाली ब्लैक वाली लगाने की? देखो जो साथ में आते हैं थोड़ी सी हाई प्राइस की होती है, ठीक है, और ये अपना मीडियम रेट होता है इनका, हाफ रेट से भी कम की पड़ जाती है, ठीक है, वो अपना महंगी मिलती है। और उसका जो कलर होता है वो कलर अपना वाइट वगैरह सिल्वर आता है, जैसे कि उस बुलेट के अंदर है। तो उसका कलर देखिए, कई भाई को उसकी लुक अच्छी लगती, ठीक है, तो इसलिए भाई हमने ये वाली प्लेट इसके अंदर इंस्टॉल किया। दूसरा कलर अपना बता दिया मैंने आपको, अलॉय व्हील्स, साइलेंसर बैंड, अपना भाई मुर्गी प्लेट हो गई। इसके बाद हमें गाड़ी में क्या करवाना चाहिए, इसके बाद करवाना चाहिए हमें लैमिनेशन वर्क भी गाड़ी के अंदर, बहुत जरूरी है। अगर आप साल के अंदर लैमिनेशन को चलाते हो, केयर करते हो लैमिनेशन की, तो आपको लैमिनेशन भी करवानी जरूरी है, ठीक है। पर ये नहीं कि अगर एक बार लैमिनेशन कराने के बाद आप 4-5 साल तक भाई गाड़ी को देख ही नहीं रहे, कि बाद में चेंज भी करानी होती है, फिर आपको कोई फायदा नहीं है लैमिनेशन करवाने का। क्योंकि जब हम लैमिनेशन को 4-5 साल बाद उतरवाते हैं तो ये लाइनिंग फटने का खतरा बना रहता है और पेंट को भी डैमेज करता है, ठीक है। इसके अलावा हमने इस गाड़ी के अंदर क्या करा है, जैसे पार्किंग बल्ब्स वगैरह हो गए, ये बल्ब्स वगैरह ब्लू पाए हैं, ठीक है, छोटे मोटे एक्सेसरीज डली है इसके अंदर। और भाई सीट कवर वगैरह इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है, और आफ्टर मार्केट तो खैर फिलहाल सीट कवर इसके आए भी नहीं है जो जेन्युइन होते, जो क्योंकि जो ये लुक है ना, ये लुक ही इसको प्यारी बना रही है इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह सीट कवर वगैरह ना छिड़वाए तो सही रहेगा, ठीक है। इसको और बड़ा हेडलाइट वगैरह तो पहले से ही इसकी ओके रिपोर्ट है। और अपना टायर हमने इसके अंदर सिंपल ही पाया, कोई ट्यूबलेस टायर नहीं पाए, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी भाई, पहले तो हम इसको ऐसे चला लेते, क्योंकि भाई वो पता है एक बार थोड़ा सा मोटा पैसा लगता है, फिर उसके बाद और ऐसे करना तो थोड़ा सही सा नहीं है। पहले इसको भाई टायर वगैरह आपकी मर्जी है, ट्यूबलेस साथ ही साथ डलवा सकते हो, पर अगर आपको ऐसा है कि सिंपल चलाने अलॉय व्हील्स के अंदर, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अपना बहुत भाई और दूसरे सिंपल स्टैंडर्ड होती है, उसके अंदर हम पहले छोटा टायर लगवाते हैं पिछले वाला, जिस तरह की अपनी ये स्टैंडर्ड है। इसके अंदर देखिए कितना पतला टायर है, मतलब पतला नहीं है पर फिर भी मीडियम है, ठीक है। और छोटा टायर पाते हैं इसके अंदर 110/19, इसके अंदर हमारा पहले से ऑलरेडी आता है। लुक देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक है, पीछे से अपना साइलेंसर रबड़ भी लगी है इसके अंदर। तो पिछले वाला टायर का नंबर है 120/80/18, जो क्लासिक के अलॉय व्हील्स होते हैं ना, वो वाला है इसके अंदर। अगले वाला 19 नंबर का अलॉय व्हील्स होता है, पिछले वाला इसका 18 नंबर का होता है, डबल डिस्क गाड़ी के अंदर है। तो खैर सारी बात को खत्म करते हैं, आपको मैंने सब बता दिया है, एस्टीमेट भी वगैरह सब कुछ। अब करते हैं आपको साउंड चेक कराते हैं, जो कि आपको बेसब्री से इंतजार था। साउंड इसकी प्यारी बनी है, वो तो कोई चक्कर नहीं, मैंने आपको पहले भी साउंड इसकी दिखाई थी शॉर्ट मोटर में, पीछे पीछे वाला चेंज करने के बाद किस टाइप साउंड थी, अब कंप्लीट ही चेंज करने के बाद किस तरह की साउंड बनती है वो दिखाते हैं आपको। तो गाड़ी करते हैं स्टार्ट। कई भाई को लोगों की वो लगता है भाई, लोगो मेरा पहले साइड होना चाहिए, उस साइड देखा था भाई, अब लोगो इस साइड आएगा ये, और क्योंकि डिस्क ब्रेक हमारा इस साइड, ठीक है। खैर आपको ट्यूबलेस करवाना है तो वो भी हो जाते हैं, बफिंग वगैरह वर्क भी होता है, अपनी लैंग्वेज वर्क भी जरूरी है। अगर आप इसके अलावा कोई चीज़ आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई, अपना अगर साउंड कम पसंद है तो पिछले वाले चलने से चेंज कराकर काम चल सकता है, वरना अपना जो स्ट्रोक साइलेंसर आता है उसमें साउंड अच्छी बनती है, ऐसी कोई वो बात नहीं। दूसरा रिम भी बढ़िया है, अलॉय व्हील्स में सबको नहीं कह रहा कि अलॉय व्हील डलवाओ, बस कई भाई को लुक होता है कि भाई क्योंकि इससे थोड़ा कंपेयर करते हैं गाड़ी को, अब थोड़ा लुक सेम सी लग रही है ना,
नजर भाई आपने पहले देखा हो तो लग नहीं रहा, अब देखो इसको एक झलक में अचानक देखा हो तो ऐसा लगता है कि अपनी पहले वाली स्टैंडर्ड की लुक ही है इसमें, है ना। बस एक चीज़ बेकार है जो थोड़ी सी अजीब लगती है, वो है इसका पीछे वाला मडगार्ड। मेरे को तो रीज़न होगा खैर ये चीज़ करने का, क्योंकि भाई इंजीनियर हैं, सोच समझ के बनाते हैं हर चीज़। बस थोड़ा सा मेरी तरफ से तो सब पॉइंट एक नंबर है भाई, ये देखो अदर सारी लुक बढ़िया है, बस थोड़ा सा पीछे की तरफ से अजीब से लगती है भाई। गाड़ी की लुक बहुत बढ़िया, सस्पेंशन वगैरह सिस्टम जो कि मैंने आपसे ओनर की बात कराई थी, वो कह रहे थे ना 110 के आसपास चलाने के बाद भी मुझे ब्रेकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि भाई डबल डिस्क हो गए और हैवी वाले शॉकर आए। देखो लेग गार्ड इसके अंदर लगाया है, लेग गार्ड सारा भूल गया और अपने हॉर्न वगैरह भी दूसरे लगे हैं। ये लुक चेक कर सकते हैं ओके जी, अपनी तरफ से तो काम हो चुका है ओके। अब लेते हैं भैया का रिव्यू, कैसे लगी गाड़ी, उनको पसंद आया कि नहीं, तो आना भैया जी। तो भैया अब आप बताओ कि भाई गाड़ी में पहले से फर्क लगा? सारा फर्क है भाई, मतलब इतना पैसा लगा दिया फर्क तो आएगा। अब थोड़ी लगी, थोड़ी चेंज हुई है ना, थोड़ा अच्छा लगा। मतलब रिम के मुताबिक आपको लेवल पसंद आ रहा है? हां सब। साउंड वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मतलब लग रही है। पहले लेने से पहले आपके अंदर ये डाउट था ना कि भाई साउंड बनेगी क्या? थोड़ा डाउट था, कभी आवाज आवाज आ रही ना आवे। हां जी हां जी, अब मतलब थोड़ा तसल्ली हो गई बिल्कुल है। ठीक है, चलाने में कोई फर्क लगा तो नहीं एक्स्ट्रा के भाई? ज्यादा एक नंबर के भाई। ओके रिपोर्ट ओके रिपोर्ट। तो हमारे सब्सक्राइबर क्या कहना चाहोगे भैया? भाई जितने ज्यादा ज्यादा शेयर करो और भाई यहां पर विजिट करो, अच्छा काम हो रहा है। ओके भाई थैंक यू। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।